एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुझे तीन मैट्रिक्स दिए है और ये चीजें मुझे फाइंड करने को बोला है। सबसे पहला है ए प्लस बी। ए प्लस बी में हम क्या करेंगे, आपको पता है ए प्लस बी पॉसिबल कब होगा, एडिशन मैट्रिक्स में तभी पॉसिबल होता है जब दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो यहां पे जो मैट्रिक्स दिए उसका ऑर्डर क्या है, 2x2, तो एडिशन पॉसिबल होगा। चलो एडिशन में कैसे करूंगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एड कर दूंगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये मैंने कुछ दिखाया है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बनेंगे, उन सबको एड करता जाऊंगा, मेरा आंसर आएगा 2+1, 4+3, 3-2 and 2+5। आपको लगेगा सर यहां पे तो एडिशन करना था, आपने माइनस क्यों किया, क्योंकि 3+3+-2 करूंगा तो 3-2 ही आएगा, तो मेरा इसका आंसर हो गया 3, 7, 1 एंड ये होता है 7। ओके, आपको ए प्लस बी मिल गया। दूसरा आपको क्या बोला है, ए माइनस बी। ए माइनस बी करने से पहले आपको ए प्लस माइनस बी ऐसा लिख सकते हो, ए की वैल्यू क्या होगी 2, 4, 3, 2 एंड बी की जगह पे मुझे माइनस बी लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, बी के मैट्रिक्स बी के हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई दूंगा, -1, -3, 2 एंड -5, ये हो गया माइनस बी। अब मैं क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन कर दूंगा, तो यहां पे 2-1 आएगा, 4-3 होगा, 3+2 होगा, 2-5। आपको यहां पे डाउट होगा सर आपने तो एडिशन बोला था, यहां पे सब्ट्रैक्शन क्यों हो गया, तो ये मैं यहां पे क्लेरिफाई कर देता हूं, 2+-1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2-1, जो कि मैंने यहां पे दिखाया हुआ है। ओके, ऐसे ही सबका इसका आंसर है क्या आएगा, 1, 1, 5, ये होता है -3, ये हो गया ए माइनस बी। नेक्स्ट मुझे यहां पे तीसरा एलिमेंट ऐसा फाइंड करने का बोला है 3a-c। ओके, आपको एक चीज पता है, सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करने पड़ेगा, 3a। 3a मतलब क्या होता है, ए के मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट को मैं 3 से मल्टीप्लाई दूंगा, तो यहां पे मैट्रिक्स ए क्या था फ्रेंड्स, 2, 4, 3, 2 था, तो 2 × 3, 4 × 3, 3 × 3 and 2 × 3, तो मुझे 3a क्या मिलेगा, 6, 12, 9 एंड ये हो गया 6। ओके, अब मैं लिखूंगा 3a-c मतलब क्या होता है, 3a मतलब यहां पे मैंने फाइंड किया है 6, 12, 9, 6 प्लस, प्लस माइनस सी कर दू, सी में हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से, तो यहां पे क्या आएगा 2, -5, -3 एंड -4। अब मैं क्या करूंगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एड कर दूंगा, यहां पे क्या बनेगा फ्रेंड्स, 6+2 मतलब 8, 12-5 मतलब 7, 9+-3 मतलब 6, 6-4 मतलब 2, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको पूछा है फोर्थ, मुझे क्या पूछा है, a × b, तो मुझे सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि इसका ऑर्डर क्या है। मल्टीप्लीकेशन के रूल के हिसाब से पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो जितना होना चाहिए, यहां पे दोनों के दोनों का पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम है, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, पॉसिबल होगा, तो आंसर क्या होगा मैं लिख रहा हूं, 2, 4, 3, 2 × b क्या होता है, 1, 3, -2, 5, इसका आंसर क्या मिलेगा, तो आपको पता है पहले कॉलम पहले मैट्रिक्स में रो दिखा दो, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम दिखा दो, ऐसे लाइन कर दो। अब पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई, बीच में एडिशन, 2 × 1 + 4 × -2, दूसरा एलिमेंट 2 × पहली रो दूसरा कॉलम 2 × 3 + 4 × 5, दूसरी रो पहला कॉलम 3 × 1 + 2 × -2, दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 × 3 + 2 × 5, तो मैं यहां पे आपको आंसर लिख दे रहा हूं 2-8, तो क्या होगा -6।
6 प्लस 20 तो 26, 3 माइनस 4 तो माइनस 1, 9 प्लस 10 तो क्या हो गया 90। ये मेरा A इंटू बी का आंसर हो गया। नेक्स्ट मुझे पूछा है B इंटू A। अब कोई बंदा ऐसा नहीं सोचेगा कि सर A इंटू बी हो गया तो उसका आंसर B इंटू A जितना ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। देखते हैं क्या आंसर आता है। B का मैट्रिक्स मैंने यहां पे लिखा था 1, 3 माइनस 2, 5। ए का मैट्रिक्स दिया गया है 2, 4, 3, 2। ओके, आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह आता है। पहले मैं क्या करूंगा, यहां पे रो इंडिकेट कर दूंगा, दूसरे में कॉलम इंडिकेट कर दूंगा। ओके, अब तो क्या पहला रो पहले कॉलम का करस्पॉन्डिंग, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9। ओके, पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू 2 6। ओके, दूसरी रो पहला कॉलम तो माइनस 4 प्लस 15। दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस 8 प्लस 10। फ्रेंड्स, अब मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा 11, ये हो गया 10, ये होता है 11, ये होता है 2। ओके, ये मेरा आंसर हो गया।